हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वदेशी फार्म में। आज हम लोग आए हुए हैं अदलाहट में, क्योंकि आज हम लोग अदलाहट के विजिट पे भी हैं और आप लोग बैक टू बैक देख रहे होंगे कि अदलाहट की ही वीडियोस आ भी रही होंगी। तो अभी हम लोग खड़े हैं गोपाल जी के फार्म पर। गोपाल जी हमारे नए किसान हैं, दो फ्लॉक इनका चल चुका है और अब तीसरा फ्लॉक डलने वाला है। तो आए इनका एक्सपीरियंस लिया जाए कि स्वदेशी फार्म के साथ इन्होंने काम जो किया है, क्या इनका एक्सपीरियंस है, कितना इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोपाल जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर। तो हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि आपका पहले परिचय दें आप अपना। सबसे पहले मैं स्वदेशी फार्म के सभी किसान भाइयों को पैदल से स्वागत करता हूं कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नाम गोपाल यादव है, हम ग्राम बेरही के रहने वाले हैं, जिला मिर्जापुर, जमालपुर ब्लॉक पड़ता है यूपी के। ठीक। तो गोपाल जी ये हम लोग का दूसरा लॉट डला हुआ है। हाँ। तो हम लोग कितना बच्चा एक बार में छोड़ते हैं? हम तो पहले बार नया में थे तो 500 बच्चे छोड़े थे जी। अब वो जब निकल गए हैं तो दूसरे बार में बैलेंस के हिसाब से अपना हम 700-600 बच्चे छोड़ते हैं। फॉर्म की कैपेसिटी क्या है हमारे? इसका एरिया 750 एरिया, 750 स्क्वायर फीट का फॉर्म बना हुआ है। आपने इसी पर्पस से नया फॉर्म बनाया था, तो चूंकि आप विजय जी के बगल के हैं तो उनसे देख के बनाए थे आपने? हाँ, उन्हीं से सीखा। देखिए विजय जी पहले YouTube पे वीडियो देख के सीखे और उनको देख के उनके मित्र इन्होंने भी फॉर्म बनाया और दो फ्लॉक आपने निकाला है। तो एक मिनिमम प्रॉफिट आप बताना चाहें कि 500-700 बच्चा पाल के क्या लगभग आदमी अर्न कर सकता है, कितना निकाल सकता है? 500-600 बच्चे अगर पालन करते हैं किसान भाई तो उस पे आ जाएगा आपका 24,000-25,000 करीब में आ जाएगा। 24,000-25,000 आ जाता है। वही जैसे कि आप बड़ा करेंगे तो मिनिमम 40 रुपए प्रॉफिट और छोटे बड़ में आप 25 रुपए प्रॉफिट लेके चल सकते हैं। तो अभी सरकार 200 बच्चा बचा हुआ है, बाकी उठ चुका है कल या परसों में, ये भी उठा के यहाँ नया बच्चे का फ्लॉक गिर जाएगा। तो अभी हम लोग क्या साइज लेके गए थे इस बार? एक किलो। अभी 1 किलो का साइज में हम लोग निकालना शुरू किया है। तो इससे पहले वाला भी 1 किलो ही निकला था। और लगभग कितने दिन का बर्ड हो चुका है? ये हो गए हैं 80 दिन। 80 दिन लगभग। मुर्गा 1100-1200 के आसपास है और मुर्गी 900 के आसपास आपकी दिख रही है। तो लगभग 75 से 80 दिन जो हम लोग कहते हैं कि 1 किलो का आने में समय लगता है एवरेज, यानी 1200-1100 ग्राम का मुर्गा रहे और 900 ग्राम की मुर्गी रहे तो एवरेज 1 किलो होता है। दोनों के बीच में गैप होता है। अगर हम लोग मेल और फीमेल को अलग कर दें तो गैप भी नहीं आएगा, क्योंकि मुर्गा डिस्टर्ब करता है तो खा नहीं पाता, तो थोड़ा सा 100-200 ग्राम का गैप आ जाता है। तो इस बार क्या तैयारी है, हम लोग कितना बच्चा छोड़ेंगे? इस बार 900 बच्चे छोड़ेंगे। इस बार 900 बच्चा डालेंगे। तो हमारे नए किसान भाइयों को बताइए कि दो फ्लॉक आपने डाला निकाला, इसमें क्या परेशानी हुई और कितना क्या दिक्कत हुआ आपको? स्वदेशी वाले में हमें कोई परेशानी नहीं दिख रही है, इसमें सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कितना मेहनत लगता है, आप कितना समय देते हैं इसको? वही सुबह शाम एक घंटा दाना पानी लगा के। कोई इसी तरह की कोई बीमारी, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं? दो फ्लॉक यानी लगभग इनका 6 महीने के आसपास समय हो चुका है और अभी तक कोई ऐसे खास प्रॉब्लम होता भी नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है, तो नॉर्मल सी दवाइयां हैं वो आपको चलाना होता है, आप लोग समझ सकते हैं। और प्रॉफिट आपको समझा दिया गया है। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा। जो नए किसान भाई जुड़ना चाहें वो कॉल कर सकते हैं, जो ट्रेडर भाई रेडी बर्ड लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। हम लोग बहुत दूर से आपके नॉलेज के लिए हम लोग नई वीडियोस बनाते हैं। चैनल को शेयर जरूर करें।